ही नया किक दिया जाता है। उस्ताद हैदर ब्लॉय मास्टर रफीक भी, क्या बात है, क्या टूर्नामेंट है आज इसका, फाइनल खेला जा करती है और ये भी इसने भी बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त से दो चार किया, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बहुत जबरदस्त दिल, बहुत मंजन भी है आज, बड़े बड़े क्या जबरदस्त तैयारी करके आए प्लेयर, देखो क्या जबरदस्त इनकी सेटिंग है, बालों की सेटिंग भी बड़ी प्यारी है, बहुत ही जबरदस्त फाइनल है। आमिर बख्त फोटोग्राफर हैं, बहुत ही फुटबॉल लवर थे, जहाँ भी जाते हैं और अपनी अपने टाइम बिना किसी लालच के फुटबॉल दोस्ती का सबूत दे रहे हैं और कवरेज कर रहे हैं। आमिर बख्श फोटोग्राफर पीर बख्श का टीम है, बहुत अच्छा टीम है, बहुत फुटबॉल लवर थे और अभी एक 20 तारीख को फाइनल होगा, वहाँ भी होंगे, हम भी वहीं जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। शायकीन फुटबॉल, फुटबॉल लवर्स जितने भी हैं पाकिस्तान में और बाहर, इनके लिए तो मेरी यही दुआ है कि ये जो चंद मेरे फुटबॉल लवर्स मेरे असासा हैं ज़िंदगी यारब, इनको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मास्टर रियासत का सलाम। आपको पता है ये कराची का वाहिद बड़ा टूर्नामेंट है जो गेट फार्मा की स्पॉन्सरशिप से हर साल मुनक़द किया जाता है। कोरंगी बलोच चैलेंज का फुटबॉल टूर्नामेंट ये 12वां चैलेंज का फुटबॉल टूर्नामेंट है और कोरंगी बलोच फुटबॉल क्लब के जरिए तमाम मुनक़द किया जाता है गेट फार्मा की स्पंज, और इसमें कराची के 5 अज़ला की तमाम रजिस्टर 96 टीमें शिरकत करती हैं। बिल आखिर इन दो टीमों ने बेस्ट गेम के बिना पर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ये फाइनल खेला जा रहा है, मैच का पहला हाफ शुरू हो चुका है, बगैर किसी गोल के बराबर है। वाइट और पिंक कलर में जो टीम खेल रही है वो दिलबोध गोट मलिर की टीम है, दिलबोध ममडन, और ब्लू कलर में जो टीम है मधु गोट की टीम है मधु ममडन, और आर्गन कमेटी में जो शामिल है यहाँ पर जो मेन जो किरदार अदा कर रहे हैं वो उस्ताद हैदर बलोच हैं, उनके साथ गुल मोहम्मद कामरेड है आर्गन सेक्रेटरी, और उनके साथ वजदिल बलोच है, खान मोहम्मद चाकर है, और कोरंगी बलोच के हानी बलोच है। ये सब बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा अपनी मिसाल आप टूर्नामेंट शायकीन फुटबॉल की कसी तादाद ग्राउंड पर मौजूद है। एक ठाठे मारता समंदर नज़र आ रहा है और मलिर न्यूज़ चैनल की तरफ से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया और इंशाल्लाह जो भी फुटबॉल की एक्टिविटीज कराची में होगी तो मैं इनके साथ हूँगा। जो फुटबॉल को प्रमोट करेगा मास्टर उसको भी हौसला अफजाई करेगा ज़रूर, और बहुत ही ज़बरदस्त ये दोनों में स्टार खिलाड़ी खेल रहे हैं, बहुत शानदार खेल का मुजाहरा कर रहे हैं दोनों टीमें। अच्छा माँ पास गया लेफ्ट साइड से मोमेंट बना, अच्छा माइनस किया जबरदस्त, और ये अच्छा मौका, बहुत जबरदस्त मौका, और ये गोल, बहुत ही जबरदस्त गोल, गोलकीपर की गलती है, मधु ममडन ने बहुत ही जबरदस्त यकीन डिफेंडिंग मोहम्मद अली माम ने दर्शन ने गोल कर दिया, बहुत ही जबरदस्त माइनस हुआ, गोलकीपर की थोड़ी सी गलती से गोल करने में कामयाब मोहम्मद अली माम, बहुत बड़ा प्लेयर है इसका 7 नंबर, इसने जबरदस्त शानदार खेल का मुजाहरा कर, एक गोलकीपर मधुगढ़ कर। और एक गोल की बढ़ते हासिल होगी है मधु ममडन, ब्लू कलर में जो टीम है मधुगढ़ कराची इसकी टीम, और ये इस टीम की प्रोग्रेस में माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। ये एक साल में इसने 8 फाइनल खेले, ये 9वां इसका हुआ है, इसने 5 फाइनल ये जीत चुकी है और 3 में शिकस्त ज़्यादा, बहुत अच्छी इसकी प्रोग्रेस जा रही है इसमें किसकी है, क्योंकि जिद की जंग में जुदाई जीत जाती है। और मुझे खुशी है कि बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के डायरेक्टर जनरल दुरा बलोच साहब भी इसको लाइव देख रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा प्लान लेके आए हैं, ऑल सिंध बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट 10 दिसंबर से मेरा ख्याल होने जा रहा है, दिसंबर के महीने में, जिसके सिब्बी में ओथल में उसके मैचेज होंगे, फाइनल सिब्बी में होगा, और
पूरा बलिस्तान इसको देख रहा है, बहुत अच्छा जबरदस्त एक को डाल दिया, बहुत जबरदस्त अच्छी तेज, अच्छा मैंने इसके हड्डी के अंदर आ गया, शाहजहान बड़ा खतरनाक साबित होता है, इसके बाल अभी तक और उसे डाल दिया, एक को डाल दिया दो गो, लेकिन इसका डिफेंडर ने बाल क्लियर कर दिया और ये कॉर्नर मिला है का अतील, अतील ने माइनस किया लेकिन उसके डिफेंडर ने बाल क्लियर, अभी तक और ये अच्छी ट्राई जबरदस्त ट्राई, लेकिन गैर जिम्मेदारी से लगाई, फिनिशिंग का थोड़ा फुकदान था, बहुत अच्छा मौका मिला था मोइन को, जा सकती है। और कराची की क्लबों को मैं बता दूं कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है बलूचिस्तान में, हमारे डायरेक्टर जनरल दुरा बोला अच्छा मौका है, ज़बरदस्त मौका है, डी के अंदर गया बहुत अभी नज़दीक पहुंचा हुआ है और ये अभी तक उसी के बाद बाल है, लेफ्ट आउट के बाद डांट देने की कोशिश कर रहा है, पास किया डांट दिया ज़बरदस्त अभी तक, और ये पास देता है कि ये क्या अभी भी मौका है, ज़बरदस्त मौका है, लेकिन डिफेंडर ने बाल को जुरे ने बाल को क्लियर कर दिया, ये बड़ा ज़बरदस्त फाइनल खेला जा रहा है और ये अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस, लेकिन भाई गैर जमानत 10 नंबर ने अच्छा चांस मिला था, फाइनल माइनस कर सकता था, लेकिन इसने अपने लिए अगर खेला अपनी टीम के लिए खेलता तो माइनस कर देता। बहुत ममडन एक गोल की बढ़ोतरी हासिल है मधु ममडन को, उसके मोहम्मद अली इमाम जर्सी नंबर 7 ने गोल किया, और ये पहला आप खत्म हुआ शायकी ने फुटबॉल, अब तक का रिजल्ट मधु ममडन 1 मधु ममडन की तरफ से, जर्सी नंबर 7 मोहम्मद अली इमाम ने गोल किया, दिल बहुत 0। मास्टर रफीक मैच का मैनेजर अब्दुल लतीफ लत्तो आरिफ अख्तर अब्दुलरहमान गोलकीपर, नेशनल रेफरी भी है गोलकीपर भी है, और ये अंजुम बहुत ही इसने टूर्नामेंट को कामयाब दिया, हम किनारे में बड़ा अहम किरदार किया, पूरी असन तरीके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, और वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ये उमर स्टार का रहीम मास्टर यंग जमाल के मास्टर रहीम सिंध पुलिस में इंस्पेक्टर है कि फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं, और वो अजमल खटक साहब एग्जीक्यूटिव में ईस्ट के खैबर मुस्लिम के अजहर महमूद, क्या बात है इनकी जबरदस्त फुटबॉल दस्ती जिंदाबाद, उमरमा इस्माइल मेमोरियल इतनी अच्छी टीम, उसकी प्रोग्रेस जो चैलेंज कप टूर्नामेंट चलाती है बहुत बड़ा फ्रेग्रेंस कंपनी परमगा, और इसकी टीम ने थर्ड पोजीशन हासिल की, 50,000 लिए नौजवान खिलाड़ी मुस्लिम इस्माइल मेमोरियल समूह गौर की, उसके ये कोच है गुलाम नबी, फिर गेट फार्मा की स्पॉन्सरशिप ये टूर्नामेंट चलता है, और इनके शाहिद साहब बैठे, थैंक यू शाह साहब, यू डिजर्व एप्रिसिएशन, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स फॉर प्रमोशन ऑफ फुटबॉल, गेट फार्मा की स्पॉन्सरशिप से ये टूर्नामेंट चलता है, इसमें इतनी फैसिलिटी दी जाती है, 16 जो टीम क्वार्टर फाइनल पहुंचती है उसको नया कलर सेट 40-45,000 का, फाइनल में पहुंचती है उसको भी अलग से सेट, और इसके अलावा विनर को 1,50,000, रनर को 1,00,000, थर्ड को 50,000, फोर्थ को 40,000, ये पाकिस्तान का अपनी मिसाल आप टूर्नामेंट है, और ये शील्डें भी रखी है जिन्होंने, मलिर न्यूज़ की भी एक शील्ड है, क्योंकि मलिर न्यूज़ ने इसको बड़ी कवरेज दी है, बड़ी ज़बरदस्त, और मेरी खिदमत भी हासिल कर ली है, गैस फार्मा की तरफ से ऐसे एक शील्ड दी जाएगी, और इनके जो CEO हैं आदिल इलाही और कैमरा मैन सलम गनी, और इनके बॉस हैं मास्टर रफीक, ये ट्रॉफी विनर रनर को दी जाएगी, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है पाकिस्तान में, एक तो टूर्नामेंट चलता है बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप बलूचिस्तान में, वो तो ऑल पाकिस्तान होता है, लेकिन कराची लेवल का टूर्नामेंट बहुत अच्छा, ये देखो कैश प्राइज, विनर को 1,50,000, रनर को 1,00,000, गुल मोहम्मद कामरे क्या बात है इसकी, सब बहुत जबरदस्त, इसके साथ है उस्ताद हैदर बलोच और तमाम टीम, जब बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट चला रही है, बड़े बेहतर, ये टूर्नामेंट कैसा चल रहा है, ये कैसा बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल, क्या नाम है तुम्हारा, शेरबाज, कहाँ से, मानसूरे कॉलोनी से, मतलब अच्छा लग रहा है टूर्नामेंट, अच्छा बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत खूबसूरत निजाम, और ये इसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कोरंगी बलोच वालों को जो ये चला रहे हैं, बहुत बहुत इंशाल्लाह, थैंक यू शुक्रिया, बोला पठानों के लिए कुछ बोलो, मैंने बोला हाँ पठान मोहब्बत में जान भी दे देता है, और आगे तो सुनो, पठान मोहब्बत में जान भी दे देता है लेकिन जिद में जन्नत में भी नहीं जाता, ये इस्माइल मेमोरियल के बशीर अहमद साहब बैठे हुए, जबरदस्त प्रोग्राम है, जबरदस्त लोगों को एंजॉय मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, जो अच्छे फुटबॉल खेलते हैं और लोगों को शौक होता है फुटबॉल खेलने में, फुटबॉल में ये फुटबॉल का मेला होगा जो है, अस्पताल में कुछ नहीं, कोई वीरान ग्राउंड आबाद, थैंक यू शुक्रिया, और अस्सलाम वालेकुम सर, हाँ ये खालिद महमूद साहब, और ये इनकी मेहनत और काविश है, वेल डन गेट फार्मा, यू डिजर्व एप्रिसिएशन, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स फॉर प्रमोशन ऑफ फुटबॉल, वेल डन खालिद साहब, आई ऑलरेडी लाइक यू फॉर योर लव फॉर फुटबॉल, उस्ताद हैदर गुल मोहम्मद कामरे, और ये तमाम जिम्मेदारान है, इनके कुछ डायरेक्टर है शाहिद साहब है और जितने जिम्मेदारान आए, बहुत अच्छा टूर्नामेंट चला, ये सारे बड़े बड़े सीधा लोग आए हैं।
राइट आउट से राइट इन और फिर राइट आउट मधु मोमेंट है अच्छा शूट आउट पहले अगर मौजूद नहीं था तो बॉल को ग्रिप किया और जवाब भी हमने की तैयारी करते हुए दिल बोर्ड के प्लेयर दो प्लेयर्स को बनाने में कामयाब लेकिन अच्छी कोशिश सेंटर फॉरवर्ड के लिए मौका था लेकिन शूट आउट नहीं कर सके बॉल को लेने में कामयाब हुए मधु के डिफेंडर वक्त को ज्यादा से ज्यादा जाया करना अच्छी हिम्मत अमली मधु मोमेंटन की बहुत अच्छा शूट आउट लेकिन पुल बार के बराबर से होता हुआ बाहर अच्छा मौका डी के अंदर बॉल है लेकिन मधु के डिफेंडर दीवार बने हुए खतरनाक हो सकता है दिल बोर्ड के प्लेयर को शूट आउट करने का मौका मिला लेकिन काफी कमजोर के पुल बार के बराबर से होती हुई गोल लाइन से बाहर अच्छा बॉस मोइन का मगर मामदली गोल करने में नाकाम बहुत अच्छी प्रोग्रेस इसकी और हमारे गेट्स फार्मा की क्या बात है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर खालिद महमूद साहब की वेल डन खालिद महमूद साहब आप और इस तरह कांग्रेचुलेशन और मधु ममदान चैंपियन ऑफ दिस टूर्नामेंट जीता वैसे कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट और ये फाइनल जीत लिया चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया जज जीता बसिकंदर मधु ममदान बार बार कराची गोली में चैंपियन करार भाई बहुत ही जबरदस्त फाइनल कांग्रेचुलेशन जाहिद शाहिद बलोच शराफी कोर्ट की टीम जो होती थी वो जीतती थी तो मुझे इसका डर लगने लगा था कहीं रिगिंग तो नहीं हो रही है तो क्योंकि हमारे इलेक्शन में तो आपको पता है होती रहती है तो जाहिर है इसमें करना तो बहुत आसान है तो मगर लगता है कि नहीं हो रही है क्योंकि इससे साबित हुआ कि दूसरी भी टीम ने जीती है फोर्थ पोजीशन पे 40,000 रुपए का प्राइज वसूल करते हुए थर्ड पोजीशन 50,000 रुपए का प्राइज वसूल करते हुए कैप्टन इस्माइल मेमोरियल और शायकीन फुटबॉल मलीर न्यूज चैनल के आदिल भाई जो बराए रास्त ये प्रोग्राम नशर कर रहे थे आदिल भाई भी तशरीफ लाए और हमारे चीफ गेस्ट से अपनी शील्ड वसूल करें मोमेडन अपनी ट्रॉफी और 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज सब्सक्राइब करें मलीर वन स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल।